है जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे उस दिन कोडिंग एंड डिकोडिंग के, वी विल कवर टुडे। एरिड को 32 और डियर को 28 कहा जाता है, तो वैसे ही ए वी एन पी को क्या कहा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है इसमें, एरिड में इसमें जो है ना कौन सा कोड लगा रखा है इसमें, उसी को हम इससे चेक करेंगे। देन अगर दोनों में अगर हमारा सेम आ रहा है तो फिर हम इससे वेरीफाई करके इसमें इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखो एरिड को पहले लिखते हैं यहाँ पे, एरिड तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, आई की प्लेस वैल्यू 9 और डी की प्लेस वैल्यू 4। तो देखो 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 4 32, मतलब जो भी इनकी प्लेस वैल्यू है मैंने उन्हीं को सबको रख के ऐड करके उनका आंसर निकाल दिया ही है। तो वैसे ही सेम अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, ये वाला जो दे रखा है जैसे कि किसी डियर को क्या लिख रखा है इन्होंने, DEAR डियर को लिख इन्होंने 28 रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये डियर आया कहाँ से है। पहले वाले का कोड तो ये था कि जितनी भी जिनकी प्लेस वैल्यू है हमने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद में उसका आंसर 32 आ गया। वैसे ही सेम यहाँ पे डी की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की प्लेस वैल्यू 18। ठीक है, तो 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 5 28, तो टोटल इसकी भी वैल्यू कितनी आई है 28। मतलब कि कोड इसमें ये है कि जो भी नंबर्स जो भी लेटर्स दे रखे हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है, जैसे कि आर की 18, एस की 19, तो जो भी प्लेस वैल्यू उसकी हमें वैल्यू रखी है एग्जैक्ट, उसके बाद में ऐड करके हमने उसका निकाल दिया है आंसर। तो वैसे ही हमें इसका निकालना है, हमसे पूछा क्या गया है ए वी एन पी, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, एन की प्लेस वैल्यू 14 और पी की प्लेस वैल्यू 16। यही तो 16 और 14 30, 30 हुए 16 और 14 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। तो वैसे ही ए बी एन पी का आंसर क्या आया 33। अब जैसे ये है कि यदि रैबिट को एक कूट भाषा में QVCAJS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बैफल को क्या लिखा जाएगा? जैसे किसी देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कोड लग कौन सा रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे इसमें ये देखते हैं कि R की वैल्यू कितनी है, तो R की जो वैल्यू होती है वो कितनी 18, A की वैल्यू 1 यही, और B की वैल्यू 2, B की वैल्यू भी 2, I की वैल्यू 9 और L की वैल्यू 12। ठीक है, अब ऐसे नीचे देखो यहाँ पे Q की वैल्यू 17, B की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 10 और एस की वैल्यू 19। यही है ना, यहाँ रैबिट है, सॉरी ये टी है, यहाँ टी, हाँ तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 से कितना हुआ 17 माइनस 1, 1 से 2 प्लस 1, फिर 2 से 3 प्लस 1, 2 से 1 माइनस 1, यही ना। उसके बाद में देखो आई से जे प्लस 1 और ये माइनस 1, यही तो हो रहा है। तो कोड यहाँ पे हाँ कोड यहाँ पे क्या निकला, 18 से 17 माइनस 1, 1 से 2 प्लस 1, 2 से 3 भी यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे बी से ए माइनस का 1 और आई से जे प्लस का 1 और टी से ये माइनस का 1, यही कोड आया। मतलब कि -1 +1 +1 -1 +1 और -1, सॉरी ये लास्ट वाला भी प्लस 1 है, ये माइनस ही है, ये 20 से 19 हो रहा ना -1। तो देखो कोड हमारा ये आया, तो आप अक्षर यहाँ पे 3 3 6 है, वैसे ही 3 और 3 6 अक्षर यहाँ भी हैं, तो पहला क्या लगेगा -1 इसमें, दूसरे में +1, तीसरे में +1, चौथे में -1, पाँचवें में +1 और छठवें में -1, यही ना। तो बी से एक कम होगा तो कितना आएगा ए, ए में एक प्लस होगा बी, एफ में एक प्लस होगा जी और एफ में एक माइनस होगा ई, वैसे ही एल में एक प्लस होगा एम, ई में एक माइनस होगा डी। तो उसी कूट भाषा में बैफल को क्या लिखा जाएगा ए बी जे,
अब जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ए को बन लिखा जाता है, बी को चार और सी को नौ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बेड को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि ए को बन लिखा जाता है, बी को चार और सी को नौ, तो उसी कूट भाषा में बेड को क्या लिखा जाएगा। ये तो देखो, ए से बन हो गया, ये एक से एक हुआ, लेकिन बी से कितना हो रहा है, चार, तो बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो तो दो होती है, तो दो से ये चार कैसे बने, वर्ग। वैसे ही सी की वैल्यू नौ होती है, नौ से ये सी की वैल्यू तीन होती है, तीन से नौ, मतलब कि यही है कि जो इनकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका क्या है, होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे बी की जो वैल्यू है टू, उसका होल स्क्वायर। अब जैसे ए की वैल्यू वन का होल स्क्वायर वन ही आया, तो वैसे यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, चार, ए की वैल्यू वन और डी की वैल्यू कितनी, चार का स्क्वायर मतलब सोलह, तो टोटल वेड की वैल्यू कितनी है, ये 21, यही आंसर हुआ इसका। समय हैन को 45 लिखा जाता है, बर रेट को 24, तो उसी कूट भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। जैसे